हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बोले तो एकदम झक्कास बिंदास ललन टॉप। तो फिर से आ गई मैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी यानी शेयर कराऊंगी देवप्रयाग और कर्णप्रयाग का। तो यार, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग क्या है, क्यों है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये सीढ़ी नुमा खेती। मुझे पता है आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा, फिर भी मेरी तरफ से एक बार फिर से देख लीजिए। और पेड़ों की हरियाली, जी हाँ, पहाड़ों के पेड़ों की हरियाली, जो कि हम उत्तर प्रदेश वालों को देखने को कभी कभी मिलता होगा जब हम किसी शहर पर जाते होंगे। तो यहाँ पर मैं थक हार के, यानी हम सब थक हार के खड़े हो गए थे और ये नज़ारे का एक क्या कहते हैं फील कर रहे थे उसको। और उसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं कर्णप्रयाग की तरफ। तो कर्णप्रयाग के बारे में आपको बता दूँ, उत्तराखंड में गढ़वाल जिले, गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में एक कस्बा है। ये एक कस्बा है, जी हाँ, और ये अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। पिंडर यानी पिंडर को एक नाम और दिया गया है, कर्णगंगा, इसलिए इसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। और तो ये है हमारा कर्णप्रयाग, आप देख लीजिए। और यहाँ से इसको टाटा बाय करके हम लोग चल पड़ते हैं देवप्रयाग की तरफ। तो चलिए चलते हैं। ओए होए मजे। और यार, फिर से यहाँ से हम आगे बढ़ चलते हैं देवप्रयाग की तरफ। और देवप्रयाग के बारे में आपको बता दूँ तो यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का एक नगर है, जो पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है। और सबसे मुख्य बात इसकी ये है कि ये अलकनंदा और भागीरथी को मिलकर बना है, और अलकनंदा भागीरथी मिलकर आगे चल के गंगा बनाती हैं। तो जिसका पानी कहते नहीं कि गंगा का पानी, गंगा जल पवित्र पानी, और ये सब, ये दोनों नदियाँ, दो नदियों का संगम जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उससे मिलकर बना है अलकनंदा और भागीरथी। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से अलकनंदा नदी कौन सी है और भागीरथी नदी कौन सी है, ठीक है। और भागीरथी नदी अगर आपको पता चल जाए तो वो नदी वैसी दिखती क्यों है, ये वजह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सीढ़ी से उतरने का प्रोसेस जो था बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन यार जब वापस चढ़ना पड़ा तो नानी याद आ गई थी हम सबके। तो ये जो संगम है आपका, देखिए, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों का संगम आपको दिख रहा होगा, दो नदियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनका ये कलर ऐसा क्यों है। और फिर इसके साथ में और जो भी मैंने बताया वो सब बताइएगा। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद ही इस टाइम नहीं याद आ रहा है कि वहाँ पे मैं कर क्या रही थी। फिलहाल तो बस मैं ये नज़ारा कैप्चर कर रही थी कि हाँ, एक मेमोरी के तौर पे। और यहाँ पे वो जो आपको एक पुल दिखाई दे रहा, वहाँ से चढ़ के आपको इधर साइड, वो उधर बैंक साइड पर जाना था, वहाँ पे सब लोग जाते हैं, नहाते हैं। फिलहाल तो हम थके हारे इंसान वहाँ पे नहीं जाते, हम यहीं पे बैठ के इस नज़ारे का मज़ा लेते हैं और सब सेल्फियाँ वगैरह निकलवाते हैं, जैसे कि हमारी मैम लोग और भी दीदी लोग, और मैं ये हरियाली और ये सब देख रही होती हूँ। और यार, इस नदी की तेज़ी और इसका जो ये तेज है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है, जैसे आप खुद ही सुन लीजिए। बनाने लगती हूँ ये सोचकर कि चलो मैं ये सीन इसमें दिखा दूँगी। और ये पुल आपको दिख रहा है ना, देखिए, फिर ऐसे ऐसे जाके उधर वो बैंक जो आपको वो साइड एकदम किनारे दिख रहा है, वहाँ पे रुकना था। वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था और हम थक गए थे, थक हार के पैर को पानी में डाल के बैठे हुए थे कि पैर को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। और उसके बाद यहाँ से हम लोग वापस जाते हैं, और जाते, मैंने बताया ना कि जाते हुए नानी याद आ गई थी हम लोग की, तो सच में ऐसा ही हुआ था। मैम हमारी चल नहीं पा रही थी फिलहाल तो। और उसके बाद हम यहाँ को, यानी कि देवप्रयाग को, टाटा बाय बाय अलविदा कह के आगे बढ़ चलते हैं। तो यार, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट।
पहले दौड़ी पहले दौड़ी गल बस च रहना मेरे खोले कुड़िए सारे बदनाम करी नाम करी।